बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सब फ्रेंड ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो की तरफ चलते हैं साथ। अब सुबह का टाइम है तो फजर की नमाज़ अदा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है, ठीक है? तो आज मैं अपनी आपको डेली की पूरी रूटीन फिर से बताऊंगा। आज मैंने डेयरी में थोड़े से काम करने होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, बाद में आपसे मैं मुलाकात करता हूँ। अभी नमाज अदा कर लें, ठीक है? बाय। तो अफ्तारी के लिए खाना बनना शुरू हो गया। चले आपको मैं दिखाता हूँ कि खाने में क्या बन रहा है अफ्तारी में। चले चलते हैं। तो आज हमने अफ्तारी करवानी है, कुछ घरों की, एक दो या तीन घरों की इफ्तारी करवानी है हमने। तो उनके घर में पूरा मतलब सारे खाने का पूरे मतलब पूरी रूटीन जो होती है इफ्तारी की, सारा सेटअप का खाना हमने देने जाना है आज। तो आज मैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर किसी के घर में इफ्तारी का इफ्तारी देने जाते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि आप इतनी देने जाएं जितनी अगला बंदा आराम से खा सके, और अगर दो तीन बंदों ने खानी है तो इजीली उसको इफ्तारी को खा सके। आप इतनी, कोई लोग ऐसा भी करते हैं इधर के, वो थोड़ी सी चीज़ें दे देते हैं तो वो अगले एक बंदे के लिए भी नहीं होती। तो ऐसा ना किया करें। तो आप ऐसा इफ्तारी अगर देनी हो तो दो तीन बंदों की दें लोगों के घरों में, अगर तफीक हो तो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल मेरे अब्बू का कत्ल किया गया मेरी आंखों के सामने। उनका कोई कसूर नहीं, और मेरे अब्बू को मिला वजह इन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा। उन लोगों के पास असले थे, वो मारने आए थे मुझे, मेरे अब्बू को, मेरे भाई को, लेकिन मैं बच गया। मेरे भाई को भी पाँव पे फायर लगा, मेरे अब्बू के इधर उन्होंने लोहे का राड मारा, और उसके बाद दिमाग में गोली। मेरे अबू ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, मेरे अबू एक अच्छे इंसान थे। मेरी माँ सदमे में है, मेरा भाई अस्पताल में, मेरे अबू कब्र में। मेरी जिंदगी तबाह करने वाले भी मेरे पाकिस्तानी है, मेरे पसरूर की एटीए तंजीम ने, मिलकर सब लोगों ने मेरे अबू का कत्ल किया, और मैं इंसाफ चाहता हूँ। तो मैंने गनी टाइगर की अभी वीडियो देखी, उसके अब्बू को भी मार दिया गया, उसके भाई को भी मार दिया गया। बहुत दुख वाली बात है, दिन दिहाड़े ऐसे हमारे इधर पाकिस्तान में होने लग पड़ा है। तो उसका आप साथ दें प्लीज़, उसको करें कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बात फैले और उसकी हेल्प करें सारे लोग। प्लीज़ मेरी तो यही आप लोगों से दरख्वास्त है, वो बेचारा अकेले हो गए हैं भाई, तो प्लीज़ उन भाई का साथ दें। टिकटॉक पे इतने मशहूर और हमारे आप बनने वाले सिंगर थे, अभी भी वो इतने अच्छे सिंगर थे, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें और उनके अब्बू को जस्टिफाई करवा लें। जज़ाकअल्लाह। तो नमाज असर का टाइम हो गया है, तो असर की नमाज अदा करते हैं। फिर हमने लोगों का रफ्तारी देनी है, तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि लोगों की रफ्तारी देने जब जाएंगे तब वो भी आपको दिखाऊंगा, और आज इफ्तारी पे भी आपको दिखाऊंगा कि इफ्तारी पे क्या क्या चीज़ें बनाई थी। तो चले पहले नमाज अदा कर ले, फिर बाद में आपसे बाकी बातें आके करता हूँ। नमाज अदा कर ली है, अब हम दही लेने जा रहे हैं, और भी कुछ सामान लाना है वो भी ले आते हैं साथ, और साथ दही भी ले आते हैं। चले दही लेने चलते हैं। दही ले लिया उसके लिए खजूरें हैं, हमने घरों में लोगों को इफ्तारी का सामान सारा दे के आना है, इस वजह से ये शॉपर तैयार किए हैं थोड़े से। आप देख सकते हैं फ्रूट चाट बन रही है।
बहुत अच्छा लगा मिलकर। मैं बहुत ऐसा हूँ कि मिर्जा दोनों दो आपको दुनिया की हर खुशी है। आप सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा नहीं बताए, हो सकता है कभी मैं और भी बता दूंगी। आप इसे देखा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तो नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज अदा करते हैं। खुदा हाफिज़।